एक बार एक राजा की बेटी का एक कीमती हार चोरी हो गया। राजा ने हार ढूंढने वाले को 50,000 सोने की अशर्फियां देने का ऐलान किया। एक दिन एक आदमी एक नदी के पास से गुजर रहा था। वो नदी बहुत दूषित थी। उसमें लोगों द्वारा फेंका गया कूड़ा कचरा सब था। वहां से गुजरते हुए उस आदमी को नदी में कुछ चमकता हुआ दिखा। सोचकर कि वह जरूर राजकुमारी का हार होगा, उसने तुरंत अपना हाथ उस दूषित नदी में डाला और हार को पकड़ा, बाहर निकाला। पर हाथ में कुछ भी नहीं आया। उसने फिर नदी में देखा, हार वहीं था। इस बार वो चलकर हार के थोड़ा और पास गया। उस गंदी नदी में चलने की वजह से उसकी धोती मैली हो गई, पर इसकी परवाह किए बगैर उसने इस बार अपनी पूरी बाह डालकर हार निकालना चाहा, पर हाथ में फिर भी कुछ ना आया। अब वो निराश हो गया और वापस जाने लगा। उसकी नजर फिर हार पर पड़ी। हालांकि नदी बहुत गंदी थी, फिर भी उसने निर्णय लिया कि इस बार वह नदी में छलांग लगा देगा। उस हार को निकालने के लिए वह नदी में कूद गया। उसका पूरा शरीर गंदा हो गया। उसने इधर उधर देखा, पर हार कहीं नहीं दिखा। वह बहुत निराश हो गया। उसे अफसोस हुआ कि अब उसे 50,000 सोने की अशर्फियां नहीं मिल पाएंगी। उसी वक्त एक संत वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस आदमी से पूछा, क्या हुआ बेटा? वह आदमी हार के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह संत उससे पहले वह हार ना ले ले। उसने संत से कहा, कोई बात नहीं है बाबा, आप जाओ। संत ने आदमी को चिंतित देखकर उसे आश्वासन दिया, तुम्हारी जो भी परेशानी है मुझे बता दो, मैं वादा करता हूँ मैं किसी से नहीं कहूँगा। उस आदमी ने संत पर भरोसा कर उसे सब बता दिया कि कैसे प्रयास करने के बावजूद भी वह हार को ना पा सका। संत ने कहा, तुमने इस दूषित नदी में इतना समय बर्बाद कर दिया, पर क्या तुमने एक बार भी ऊपर देखा? इसमें ऊपर देखने का क्या है, हार तो नीचे नदी में है। संत ने कहा, एक बार ऊपर देखो तो सही। आदमी ने ऊपर देखा। वह हार एक पेड़ की टहनी पर टंगा हुआ था। उसे समझ आया कि कैसे वो हार के मात्र प्रतिबिंब को हार समझ रहा था और उसे ना पाकर हताश हो गया था, जबकि हार तो वहां था ही नहीं। हम जीवन में वस्तुओं के पीछे भागते हैं, चीजों को पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वस्तुओं को पाकर हमें खुशी मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है जो आपको चाहिए। आप बहुत कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं, क्योंकि आपको लगता है बस ये गाड़ी मिल जाए तो मैं खुशियों को पालूंगा। आप वो गाड़ी खरीद भी लेते हैं, लगता है कि खुशी मिल गई, पर फिर क्या? फिर लगता है, नहीं, शायद ये गाड़ी वह नहीं जिससे मुझे खुशी मिल पाए। वो जो नई गाड़ी आई है दुकानों में, शायद वो खरीद लूं तो खुशी जरूर मिल जाएगी। बिल्कुल उस कहानी में उस आदमी की तरह, जहां भी आपको चमकती चीज नजर आती है, लगता है कि खुशी दिख रही है। आप नदी में हाथ डालते हैं, चलकर जाते हैं कि शायद यहाँ नहीं वहां से उसे पकड़ लूं, और नदी में कूद भी जाते हैं कि यकीनन इससे तो खुशी मिल ही जाएगी, पर होता कुछ नहीं, बस आप मैले होते चले जाते हैं। अहंकार, क्रोध, हीन भावना, हताशा और निराशा की गंदगी से, पर समझ नहीं पाते कि सच्ची खुशी होती तो यूं गायब नहीं होती, हमेशा आपके
के पास रहती। ऊपर देखिए, ये वस्तुएं मात्र परछाई हैं। सच्ची खुशी तो क्षमा, दया, प्यार, शांति, सब्र जैसे पेड़ों पर टंगी है। पेड़ दिख गया तो खुशी भी दिख ही जाएगी।